दिखने में आम बस लेकिन बहुत खास। दरअसल ये है चलता फिरता स्कूल, बस पर दौड़ता विद्यालय। गुरुग्राम में ये प्रयोग उन बच्चों के लिए वरदान सा बन गया है जो स्लम या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे और स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब स्कूल उनके द्वार पर ही पहुंच गया है। बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश। मोबाइल स्कूल, मैं पहले से घर पे ही रहती थी और अब मैं स्कूल आते, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, फिर जब वहाँ से आया जब यहीं डाल दिया था नाम स्कूल में। आप यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में मोबाइल स्कूल चलाने का ये आइडिया संदीप राजपूत का है। अभी सर ऐसे हमारे 5 शिक्षा केंद्र चल रहे हैं स्कूल आपके द्वार, जो मोबाइल स्कूल कार्यक्रम हमारा है। 5 सेंटर्स में हर सेंटर पर 50 से 60 बच्चे हैं। जैसे इस शिक्षा केंद्र में आप देख रहे हो 65 बच्चे इनरोल हैं। अभी तक जो हमारा जो जब से मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ 4000 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं, जो ड्रॉप आउट थे, जो कभी स्कूल नहीं गए थे। सरकारी स्कूल की रिटायर्ड टीचर हैं और वो रोजाना आके हमारे जो वॉलंटियर्स आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, उनके साथ रोजाना पढ़ाते हैं। ये बस पहली से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए चलता फिरता विद्यालय बन गई है। सीटें हटाकर क्लासरूम तैयार हुआ, मास्टर साहब भी उसी में क्लास लेने लगे। कूलर से लेकर लाइट तक सबका इंतजाम है। पढ़ाने के लिए रिटायर्ड टीचर्स की मदद ली गई और अब ये बस 60 बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सहारा बन गई है। R9 TV के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार की रिपोर्ट।